राजू और डिम्पी की शादी में तमाशा। डिम्पी ने लिया फैसला। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में टीटू और डिम्पी की शादी, वो तो होने से रही, उल्टा यहाँ पर हो रहे हैं ड्रामे। असल में टीटू ने सभी के सामने अपनी माँ का सच बयां कर दिया है, जिसके बाद अब डिम्पी को ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि वनराज तो इस शादी के पूरे खिलाफ है। ऐसे में डिम्पी ने खुद को कर लिया है कमरे में बंद, और ऐसे में डिम्पी का सहारा बन गई है अनुपमा। डिम्पी दरवाजा खोल ले बेटा। डिम्पी का दरवाजा नहीं खोलोगे हम तोड़ देंगे दरवाजा। आप लोग चाहते हैं कि डिम्पी दरवाजा खोले तो आप लोग सब यहाँ से बाहर जाइए। जाइए बाहर। अरे तोड़ देते ना दरवाजा। जैसे तुम्हारे कहने पे तो डिम्पी दरवाजा खोल ही देगी। आप चाहते हैं कि डिम्पी दरवाजा खोले या नहीं चाहते तो फिर बाहर जाइए। बाबू जी कौन है आने? तू चाहता है मैं डिम्पी दरवाजा खोले तू जाने मुझे बात कर रहे शांति रहो। वो सच सुन के डिम्पी बहुत रोती है और बहुत बड़ा तमाशा होता है। तो वही हम लोग शूट कर रहे थे। आप मुझे बहुत कॉन्शियस कर रहे हो, या तो यहाँ आ जाओ। शादी होती है नहीं होती है, अभी तो वो भी क्वेश्चन है। वो भी आपको एपिसोड्स जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे पता चलेगा, लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है। और अब इस ये सच जानने के बाद तो वनराज शायद टीटू को कभी भी एक्सेप्ट ना करें, तो देखते हैं आगे क्या होगा। वो सिर्फ अगर वनराज को सही भी बोल रहा होगा तो उसके खिलाफ जाती है वो, या रोमांस करती है, दोनों में से कोई एक काम। तो जो जो चीज़ें वनराज के जीवन में नहीं है वो सब वो एंजॉय कर रही हैं। पर इन सब तमाशों के बीच फाइनली डिम्पी फैसला लेती है कि वो टीटू से शादी करेगी, लेकिन इस बात से वनराज बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फिर एक बार वो टीटू को मारने पहुंचता है, लेकिन इस बार बीच में आ जाती है अनुपमा, जो वनराज को ऐसा करने से रोकती है। जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा, अगर हमको शादी करनी है और उन दोनों को शादी करवानी है तो जस्टिफाई तो करना पड़ेगा, तो इसलिए जस्टिफिकेशंस भी दिए जाएंगे। और अल्टीमेटली शादी तो होगी ही, क्योंकि वनराज भी ये नहीं चाहता है कि उसकी बेटी खुश ना रहे, तो उसकी खुशी के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। तो भाई अब खुशी खुशी होगी डिम्पी और टीटू की शादी संपन्न, और होगा डिम्पी का गृह प्रवेश भी। के साथ क्या जुड़ पाएगा अनुपमा और अनुज का रिश्ता भी, ये देखना होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आपकी जिंदगी में फिल करते हैं 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ फटाफट फॉलो करें अब हमें व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।